आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये हर सब्जी के साथ मिल जाता है। इसे बच्चे और बड़े सभी बहुत चाव से खाते हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों को तो आलू की सब्जी के बिना खाना ही अधूरा लगता है। आलू न सिर्फ सदाबहार सब्जी है, बल्कि पापड़, चिप्स और कई तरह के पैकेज्ड फूड में सालों भर इसकी बड़े पैमाने पर मांग रहती है। इसलिए आलू उत्पादक किसान फायदे में रहते हैं। आलू का कुछ दिनों तक स्टोरेज भी संभव है, इस कारण भी ये किसानों की पहली पसंद बना रहता है। आलू को किसी भी अच्छी सिंचित मिट्टी में उगाया जा सकता है, क्योंकि ये जमीन के नीचे उगते हैं और ढीली मिट्टी में उन्हें फैलने में आसानी होती है, मगर उन्हें गीली मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें हवा का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे उन्हें पोषक तत्व लेने में परेशानी होती है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी काफी मुफीद होती है। अब जानिए कि आलू की खेती के लिए आप कौन सी किस्मों का चुनाव करें। इसमें कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, कुफरी बहार 3792E, कुफरी नवताल जी 2524 चिप्सोना जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में से है। चिप्सोना प्रजाति के आलू की मार्केटिंग होने के कारण किसानों को इसका दाम अधिक मिलता है। खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले मिट्टी पलट हल से जुताई करने के बाद दो या तीन बार देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई करके आलू की बुआई की जाती है। सबसे पहले तो एक गहरी जुताई अच्छी प्रकार से कर लें, उसको कम से कम एक हफ्ता छोड़ दें खुला। उसके बाद जो है हैरो के द्वारा जो है उसकी दो जुताई करें और तब जा करके उसके अंदर जो है गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति एकड़ जो है 100 से 125 क्विंटल प्रति एकड़ खाद जो है उसमें प्रयोग गोबर खाद का प्रयोग करें। आलू की खेती में बीज का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि आलू उत्पादन में कुछ लागत का 40 से 50% खर्च बीज पर ही आता है और आलू का बीज ही अच्छी उपज का मूल आधार है। इसके लिए ध्यान रखें कि शुद्ध किस्म के शक्तिशाली बीजों का ही चुनाव करें, जो अच्छी उपज क्षमता के साथ साथ कीट रोग मुक्त, कटा हरा या सड़ा ना हो। स्वस्थ और सुडोल बीज ही प्रयोग में लाना चाहिए। एक टुकड़े में कम से कम 2 से 3 आंखें रहनी चाहिए। आलू को बुआई से पहले डाइथेन M45 दवा 2.5 ग्राम या बाविस्टीन 1.5 ग्राम को पानी में घोलकर 10 से 20 मिनट डुबोने के बाद बोना चाहिए। इससे कंदों को स्कर्फ और सड़न रोग से बचाया जा सकता है। आलू के स्वस्थ बीज 25 ग्राम से 125 ग्राम वजन के होने चाहिए। इनकी मोटाई 25 से 65 मिलीमीटर हो सकती है। इससे कम या अधिक आकार या भार का बीज आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद नहीं होता, क्योंकि अधिक बड़े टुकड़े बोने से अधिक खर्च होता है, जबकि कम आकार या भार के टुकड़े बोने से उपज में कमी आती है। आलू बोने की गहराई बीज के आकार, भूमि की किस्म और जलवायु पर निर्भर करती है। बलुई भूमि में गहराई 10 से 15 सेंटीमीटर और दोमट भूमि में 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई करनी चाहिए। कम गहराई पर बोने से आलू सूख जाते हैं और अधिक गहराई पर नमी की अधिकता से बीज सड़ सकते हैं। वैसे सही माप के बीज के लिए लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। आलू की बुआई की अनेक विधियां प्रचलित हैं, जो मिट्टी की किस्म, नमी की मात्रा, यंत्रों की उपलब्धता, क्षेत्रफल जैसे कारकों पर निर्भर करती है। आलू लगाते समय खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। इस विधि में खेत में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार बनाकर बुआई की जाती है। इन कतारों में 15 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की गहराई पर आलू के बीजों की बुआई करते हैं। इसके बाद फावड़े से बीजों पर दोनों ओर से मिट्टी चढ़ा दी जाती है।
जो बुआई की तकनीक है उसमें किसान भाई जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइंस बनाएं और उस पे जो है उनके पास किस प्रकार का बीज है। अगर किसान भाई बीज जो है खड़ा लगा रहे हैं और उस बीज का वजन जो है आपका 20 से 25 ग्राम है, तब जो है पौध की दूरी जो है आप जो है 15 सेंटीमीटर रखेंगे। और अगर यदि उनका बीज जो है थोड़ा बड़े साइज का है, 35 से 50 ग्राम का है, तब पौध से पौध की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर रखेंगे। और यदि उनसे भी बड़ा है तब उसको काट करके उसका बुआई करें। इस विधि में रेजर की सहायता से 15 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड बनाकर 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर आलू के बीजों को खुरपी की सहायता से बोया जाता है। पोटेटो प्लांटर से मेड और कुंड बनाते चलते हैं। पहली मेड पर आलू बो दिए जाते हैं। जब प्लांटर पहली कुंड के पास से दूसरी कुंड में गुजरता है तो पहली मेड में बोए गए कंदों को हल्की मिट्टी से ढकता हुआ चला जाता है और अगली मेड और कुंड तैयार हो जाते हैं। आलू की अच्छी उपज के लिए गोबर की खाद 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, गोबर की खाद 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। आलू की बुआई करते समय 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट का प्रयोग करने से कंद की उपज बढ़ती है। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 75% मात्रा आलू के कंदों को लगाते समय दो मेंढों के बीच की नालियों में देना चाहिए। आलू उथली जड़ वाली फसल है, इसी वजह से इसे बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। आलू में 5 से 10 सिंचाई देनी चाहिए। भारी मिट्टी में कम और हल्की मिट्टी में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। नाली का केवल आधा भाग ही पानी से भरना उचित रहता है। आलू की फसल के साथ उगे खरपतवार को नष्ट करने के लिए बुआई के 25-30 दिन बाद निराई गुड़ाई का काम पूरा कर लेना चाहिए। गुड़ाई करते समय ये ध्यान रखें कि भूमि के भीतर के तने बाहर ना आएं। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए एलाक्लोर 2 किलोग्राम को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आलू की खुदाई उसकी किस्म और उगाई जाने के उद्देश्य पर निर्भर करती है। आलू की फसल उस समय पूरी तरह तैयार हो जाती है जब पौधे सूख जाएं, पत्ते पीले पड़ जाएं और खोदने पर आलू के छिलके ना उतरें। अगर आलू के कंदों को खुदाई के बाद सीधे बाजार भेजना हो तो क्यूरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह अगर आप आलू की अगेती किस्मों की खेती करें तो फसल से औसत